हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू गेम प्ले वीडियो। सो आज हम लोग करने वाले माइनक्राफ्ट अनब्लॉक के अंदर कुछ अमेजिंग चीज़ें, जैसे कि हम लोगों का जो फार्म है, ट्री फार्म, उसको एक्सपेंड करने वाले हैं। बट उससे पहले तुम लोग देख लो, अगर लास्ट एपिसोड नहीं देखा सो हमने लास्ट एपिसोड में कुछ काव वगैरह, शिप वगैरह को एक जगह पर पैक किया था, जो जगह यहाँ पर है। पीछे है हमारा ट्री फार्म और यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें की है ऑफलाइन छोटी मोटी, वो तो तुम लोगों को अभी दिखाने वाला। तो वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर दो और लेट्स बिगिन। सो यहाँ पर फर्स्ट तो मैंने कुछ ट्रैपडोर्स लगा दिए ताकि यहाँ पर कोई मॉब आए तो मुझे देख ना पाए। सो आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने यहाँ पर, मैंने एक चेस्ट में कुछ सामान इकट्ठा किया है ताकि हम लोग अपना ट्री फार्म बढ़ कर सके, एंड और भी चीज़ें हैं जो आगे दिखा था। सो अपना ट्री बड़ा हो चुका है, इसे काट लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर चॉप कर लेता हूँ एंड ऑल्सो अभी शुरू करते हैं अपने फार्म। बट उससे पहले अपने जो काव और शिप है, यहाँ पर मुझे हेबेल मिली थी तो उनको ब्रीड करते हैं। थोड़ी वीट है मेरे पास तो इन्हें पहले ब्रीड करवा देते हैं। आई थिंक इतने बस हो जाएंगे इन सभी के लिए। सो इन्हें ब्रीड करवाना जरूरी है, बिकॉज अगर इन्हें ब्रीड नहीं करवाया तो हम लोगों को रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, खाने की चीज़ें या फिर बेड के लिए वूल वगैरह नहीं मिलेगी। सो अभी इसे यहाँ पर रख देते हैं एंड शुरू करते हैं पहले तो अपना फार्म का कामकाज। तो यहाँ पर कुछ प्लैंक्स बना लेते हैं पहले थे इस वुड के, एंड देन इसके स्लैब बना लेते हैं ढेर सारे। आई थिंक एक स्टैक ठीक होगा और ऊपर 8 प्लैंक्स एक्स्ट्रा है लगेंगे तो वापस से बना लेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर गाइस अपना पूरा का पूरा काम हो चुका है, अब बारी है सैपलिंग्स और डर्ट लगाने की। यहाँ पर मेरे पास थोड़ी बहुत सैपलिंग एंड डर्ट है तो इसे लगा देते हैं फटाफट से। दो दो ब्लॉक के गैप में ही लगाऊंगा जैसे पहले वाले लगा था। बट ठीक है, व्हाट, गिर गया भाई मैं। भाई साहब सारा सामान चला गया यार मेरा। यार अभी वापस से करना पड़ेगा सब। ओके गाइस, सो बहुत देर की मेहनत के बाद यहाँ पर मैं वापस आ चुका हूँ। बहुत देर तक मैंने रिसोर्सेज कलेक्ट किए वन ब्लॉक को तोड़ तोड़ के, और अब बारी है फिर से अपने काम पर लगने की, इस डर्ट ब्लॉक को लगाने की। सो यहाँ पर एक लग जा। ओके सो थोड़ा घूम के लगा देता हूँ, बट उससे पहले यहाँ पर भी खोदना है। यहाँ पर भी खोद देते, यहाँ पर भी लगा देते अपना डर्ट का ब्लॉक। ओके ये बैठ क्यों नहीं रहा, ओके बैठ गया। ठीक है, ऐसे ही हर तरफ लगाता हूँ और फिर मिलता हूँ। 2 hours later। सो ओके गाइस, अपना काम हो चुका है ऑलमोस्ट, यहाँ पर लास्ट डर्ट, और अब बारी है सैपलिंग्स लाने की। तो चलते सैपलिंग्स लानते और थोड़ा बोन मिल भी लेके आता हूँ मैं। सो यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा बोन मिल है ही, तो यहाँ से फर्स्ट तो अपने चेस्ट से कुछ सैपलिंग्स ले लेते हैं। ओके सैपलिंग्स तो नहीं है, फिर से मुझे काम करना पड़ेगा यहाँ पर। ओके तो अभी मैं थोड़ा वन ब्लॉक को खोद लेता हूँ फिर तुम लोगों से। ओके गाइस, सो अराउंड 10-15 मिनट की मेहनत के बाद मेरे पास कुछ सैपलिंग्स आ चुकी है, तो यहाँ पर लगाना शुरू करते हैं इन्हें। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, इसी तरीके से दूसरी स्प्रूस वाली भी लगा देते हैं। और हमें जैसे आगे और भी सैपलिंग्स मिलेंगी हम लोग लगाते जाएंगे इन फ्यूचर, बट अभी के लिए तो इतनी ठीक है। यहाँ पर एक बची हुई देख लेंगे, बाद में लगा दूंगा मैं ऑफलाइन। सो ओके गाइस, आज के वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। आई होप आप सभी ने इन्जॉय किया होगा इस वीडियो को। अगर इन्जॉय किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इस वीडियो को लाइक एम है 20 लाइक्स, तो फटाफट से करवा देना जरूर से, और वीडियो को पूरा देखा होगा ऐसे ही समझता हूँ मैं। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।